नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऑन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। भारत में चाणक्य एक ऐसा नाम है जिसके करोड़ लोग आज भी सम्मान के साथ याद करते हैं। उन्होंने समाज में मार्गदर्शन के लिए कई पुस्तकें भी लिखी और कई सिद्धांतों की भी रचना की थी। उनके बताए गए सिद्धांत न केवल राजनीति बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में आज भी प्रासंगिक है। चाणक्य ने ऐसी महिलाओं का जिक्र किया है जो किसी व्यक्ति की जीवन संगनी बन जाए तो उसका जीवन संवरते देर नहीं लगती है। आइए जानते हैं ऐसी महिलाएं कौन सी होती हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक शांत महिला को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। वहीं हर वक्त क्रोध में रहने वाली स्त्री चंडालिनी का रूप कहलाती है, जिससे हर कोई बचना चाहता है। ऐसे में अगर पुरुष किसी के जीवन में शांत चित्त वाली महिला पत्नी बनकर आ जाए तो वह न केवल घर को संवार देती है बल्कि परिवार में एका और सुख शांति भी बनाए रखती है, जिससे परिवार को तरक्की करते देर नहीं लगती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई शिक्षित गुणवान और संस्कारी महिला पत्नी बनकर किसी के जीवन में आए तो वह हर एक परिस्थिति में परिवार की मददगार बन जाती है। ऐसी महिलाएं न केवल आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं बल्कि बड़े फैसले लेने में भी निडर होती हैं। ऐसी महिलाएं न केवल अपने पति बल्कि पूरे परिवार के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। मीठी वाणी हर किसी का मन मोह लेती है। मधुर वाणी बोलने वाली महिलाएं चाहे रिश्तेदार हो या पड़ोसी, अपने बेहतरीन स्वभाव के कारण सबको एक सूत्र में बांध कर रख देती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ऐसी मृदुभाषी महिला से शादी करने वाला पुरुष हमेशा खुशहाल जिंदगी जीता है। इस प्रकार की महिलाएं खुद को तो समाज में सम्मान पाती ही हैं, साथ ही अपने मायके और ससुराल की प्रतिष्ठा को भी बढ़ा देती हैं। वैसे तो इंसान की इच्छाएं असीमित मानी जाती हैं, लेकिन यह भी सच है कि सभी इच्छाओं को पूरी नहीं किया जा सकता, इसलिए हम अपने वर्तमान में रहकर ही खुश रहना पड़ता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी महिलाएं जो परिस्थिति के अनुसार अपनी इच्छाओं को मोड़ना जानती हैं, वह श्रेष्ठ पत्नी साबित होती है। ऐसी महिलाएं अपने पति और परिवार को अच्छे कार्य करने और सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी सीमित इच्छाओं की वजह से परिवार भी कभी आर्थिक संकट में नहीं फंसता, जिसका फायदा पूरे परिवार को मिलता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।